Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to show you how to create this masterpiece by using an old cup. If you're new here, please take a moment to subscribe my channel and also hit the bell icon to stay updated. तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है जिसका हैंडल टूटा हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पुट्टी ली है एंड मैंने इसके अप्रॉक्स 12 टू 10 स्पून्स लिए हैं एंड मैं इसको पानी के साथ मिला के इसका डो रेडी करूँगी. तो आपको इसमें एडिशनल ऑयल या फेविकॉल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सिर्फ पानी की हेल्प से इसको नीड करना है. आपने जो रेशियो रखना है वो रखना है 10:3 का, यानी कि अगर आपने 10 स्पून्स लिए हैं तो आपको इसको 3 स्पून्स पानी मिला के डो रेडी करना है. तो यहाँ पे जो मेरा डो है वो एकदम रेडी है. नेक्स्टली हम हमारे कप पर इसका शेप बनाएंगे. तो यहाँ पे जो हमारा हैंडल जहाँ पे टूटा हुआ था वहाँ पे मैं इसका नोज़ का शेप दूंगी. तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप का डो लिया है एंड मैं इसको इसका नोज़ का शेप दूंगी एंड आपको पानी के हेल्प से इसको इवन आउट करके इसको अच्छे से शेप देके बैठाना है. तो नोज़ बनने के बाद में यहाँ पे मैंने इसका फोरहेड बनाया है एंड उसको भी मैंने स्मूथ कर लिया है. तो फोरहेड बनने के बाद में अब हम इसकी लिप्स बनाएंगे एंड उसको भी स्मूथ आउट करेंगे और उसमें भी थोड़ी सी डिटेलिंग दे देंगे. तो एक चेहरे का बेसिक शेप होने के बाद में अभी हम इसके बेस को कवर करेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक थिन लेयर ली है इस डो की एंड मैंने पूरे कप पर इसको स्टिक करके इन सबको स्मूथ कर लिया है. तो एक स्मूथ कैनवास बनने के बाद में अब हम इसके आईज़ बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने दो इक्वल बॉल्स लिए हैं एंड इसकी आईज़ बनाए हैं एक लीव के शेप में एंड इन सबको भी इवन आउट करा है. फिर आपको ये जो चेहरे की डिटेलिंग है वो आपको देनी है, जैसे आईब्रोज बनाना है, पलके बनाने हैं, उन सबको आपको बना के स्मूथ करना है. तो चेहरे की डिटेलिंग होने के बाद में अभी हम इसके बाल बनाएंगे एंड मेक श्योर कि आप इसको मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए सूखने दें. डायरेक्ट सनलाइट में आपको इसको नहीं सुखाना है. सो इट्स बीन 24 आवर्स एंड ये पूरी तरह से ड्राई अप हो चुका है. नेक्स्टली यहाँ पे मैंने सैंड पेपर लिया है एंड इसके जितने भी रफ एजेस हो उन सबको मैं स्मूद आउट करूँगी. तो स्मूद आउट होने के बाद में अभी हम इस पर कलर करेंगे. तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी डिटेलिंग को हाईलाइट करूँगी, इसको फुल कलर नहीं करूँगी. तो यहाँ पे जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक कलर्स है. आप चाहो तो इस पर वॉर्निश भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट एंड इट टर्नड आउट सो ब्यूटिफुली. तो यहाँ पे मैंने इसको एक साइड टेबल पे रख दिया एंड इस पे प्लांट्स लगा दिए हैं एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.